कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए CGPSC की पाठशाला क्लासेस को और करें अपने CGPSC एंड व्यापम का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो स्टूडेंट, मैं निखिल कुमार, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल CGPSC पाठशाला में। CGPSC पाठशाला मैच का टॉपिक है छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं जुलाई 2023 के करंट अफेयर्स पर। लेकिन आज के टॉपिक को शुरू करने से पहले ध्यान देना, जो हमारा लास्ट वीडियो लेक्चर आया था यूट्यूब पर, जिसमें हमने छत्तीसगढ़ करंट अफेयर वस्तुनिष्ठ प्रश्न संग्रह का प्रैक्टिस सेट किया था, लगभग 150 क्वेश्चन का कलेक्शन था, उसके 3 क्वेश्चन के आंसर को मैंने गलत बता दिया है, उसे पहले सुधार कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ राज्य महिला उद्यमिता नीति, छत्तीसगढ़ राज्य महिला उद्यमिता नीति यह कब से कब तक लागू है? इसका सही आंसर है 1 अप्रैल 2023 से लेकर के 31 मार्च 2028 तक यह छत्तीसगढ़ राज्य महिला उद्यमिता नीति लागू है। दूसरा क्वेश्चन था केलवा डबरी और भालूकोना, केलवा डबरी और भालूकोना यहां पर क्या है? यहां पर क्रोमियम और निकल का भंडारण है। तो ये केलवा डबरी और भालूकोना किस जिले में है? तो इसका सही आंसर होगा महासमुंद जिला, महासमुंद जिला। एक और क्वेश्चन था छत्तीसगढ़ राज्य का पहला एंटरटेनमेंट टीवी चैनल कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा सुपर टीवी। ये 3 क्वेश्चन थे जिसके आंसर शायद मैंने गलत बता दिए थे। लास्ट जो हमारा वीडियो लेक्चर आया था वो लगभग 2 घंटे के आसपास का उसका टाइम ड्यूरेशन था, 150 क्वेश्चन का सेट था। उस दिन मैं थोड़ा सा तबीयत भी खराब था, तो इस कारण से लास्ट में, वीडियो के लास्ट में ये 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जिसके आंसर को बताने में मेरे से गलती हुआ था। ठीक है, मैं भी इंसान हूँ, कभी कभार मेरे से भी गलती हो जाता है। बाद में फिर कुछ स्टूडेंट ने मैसेज किए, कमेंट किए, उसके बाद मेरा ध्यान गया इस पर। तो ये 3 क्वेश्चन को करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आज के टॉपिक पे आते हैं, छत्तीसगढ़ करंट अफेयर जुलाई 2023। देखिए CGPSC ई पाठशाला का छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 और छत्तीसगढ़ एवं केंद्रीय बजट 2023-24 का बुक मार्केट में अवेलेबल है। इन पुस्तकों को आप इन शहरों के बुक डिपो में जाकर के ले सकते हैं। यहाँ पे शहरों के नाम, बुक डिपो के नाम, उनके कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं। साथ ही साथ आप CGPSC ई पाठशाला के बुक को हमारे मोबाइल ऐप CG बुक्स कार्ट में भी जाकर के ऑनलाइन ऑर्डर कर घरों में फ्री होम डिलीवरी सर्विस के माध्यम से मंगा सकते हैं। CG बुक्स कार्ट मोबाइल ऐप में आपको CGPSC ई पाठशाला के साथ साथ छत्तीसगढ़ के अन्य कोचिंग इंस्टीट्यूट, अन्य पब्लिकेशन के बुक अवेलेबल हो जाएंगे, जिसे आप घर बैठे ऑनलाइन ऑर्डर कर फ्री होम डिलीवरी सर्विस के माध्यम से मंगा सकते हैं। आप में से कुछ स्टूडेंट की इंक्वायरी आई थी कि सर CG बुक्स कार्ट मोबाइल ऐप में आपका, यानी कि CGPSC ई पाठशाला का छत्तीसगढ़ करंट अफेयर 2023 का बुक अवेलेबल नहीं है। जी हाँ, ऑनलाइन इसका स्टॉक आपका खत्म हो चुका है, ये आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है। हो सकता है कि आपके नज़दीकी बुक डिपो में, यानी कि ऑफलाइन मार्केट में ये अवेलेबल हो, लेकिन हमारे पास से इसका स्टॉक खत्म हो चुका है। अब इसका अगला एडिशन सीधा आपके दिसंबर महीने में आएगा। 6-6 महीने में हमारी करंट अफेयर की मैगजीन आती है, इस बार का आपका जो स्टॉक है वो खत्म हो चुका है। अपने नज़दीकी बुक डिपो में ऑफलाइन मार्केट में जाकर के आप पता कर लीजिएगा, हो सकता है कहीं अवेलेबल हो, लेकिन इसका ऑनलाइन स्टॉक खत्म हो चुका है। चलिए टॉपिक पे आते हैं, ध्यान दीजिएगा। पहला टॉपिक है छत्तीसगढ़िया ओलंपिक 2023, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक 2023 इसकी शुरुआत कब हुई? छत्तीसगढ़िया ओलंपिक 2023 की शुरुआत हुई हरेली के अवसर पर 17 जुलाई 2023 को। 17 जुलाई 2023 को मनाया जा रहा था हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में हरेली पर्व, और इस हरेली पर्व, इस हरेली त्यौहार के दिन से आपके छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई। इस छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेल का आयोजन 17 जुलाई 2023 से लेकर के 27 सितंबर 2023 तक इसका आयोजन किया जाएगा। इस बार इस छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेलों का एक शुभंकर भी बनाया गया है। वो शुभंकर क्या है? वो शुभंकर है बछरू, आगे आपको इसका चित्र भी दिखाऊंगा। इस छत्तीसगढ़िया ओलंपिक 2023 में कुल 16 प्रकार के पारंपरिक खेलों को शामिल किया गया है। ध्यान दीजिएगा, जब पिछले साल छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेल की शुरुआत हुई थी, यानी कि छत्तीसगढ़िया ओलंपिक 2022, उसमें कुल 14 पारंपरिक खेलों को शामिल किया गया था। ठीक है, इस बार 2 नए खेल इसमें जोड़े गए हैं। कौन कौन से? एक है आपका कुश्ती और दूसरा है आपका रस्सी कूद।
ये दोनों के दोनों एकल श्रेणी के खेल है। एकल श्रेणी के खेल का मतलब इसमें जो है एक व्यक्ति इस खेल को खेलेगा, ठीक है, यानी कि दलीय खेल नहीं है, एकल श्रेणी का खेल है। आगे और हम डिस्कस करेंगे, ठीक। देखिए इसका जो प्रायोजक नोडल विभाग है ये ग्रामीण स्तर पर भी होगा और शहरी स्तर पर भी होगा। ग्रामीण स्तर पर इसका आयोजन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा और शहरी क्षेत्र में इसका आयोजन नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के द्वारा किया जाएगा। इसमें शामिल आयु वर्ग की बात की जाए तो इसमें तीन जो है आयु वर्ग को इसमें क्लासिफाइड किया गया है, विभाजित किया गया है। एक है आपका 18 वर्ष आयु तक के, दूसरा है आपका 18 से लेकर के 40 वर्ष आयु तक, और तीसरे है आपके 40 से अधिक आपके आयु के लोग इसमें शामिल होंगे, ठीक है। तीन आपके आयु वर्ग को शामिल किया गया है। पहला है 18 वर्ष आयु तक के लोग, 18 से 40 वर्ष आयु और 40 से अधिक आयु के, तो ये आयु के तीन वर्ग बनाए गए हैं, ठीक है। देखिए विशेष बात क्या है कि हमारे प्रदेश में जो प्रथम छत्तीसगढ़िया ओलंपिक की शुरुआत 6 अक्टूबर 2022 से हुई, इस डेट को याद रखना, ठीक है। हमारे छत्तीसगढ़ में पहला प्रथम छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेल की शुरुआत किस डेट से हुई, तो 6 अक्टूबर 2022 से, ठीक। कथन आधारित प्रश्न बन सकता है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए आयोजन कब से कब तक हुआ ये इंपॉर्टेंट है, कितने खेलों को शामिल किया गया ये इंपॉर्टेंट है, शुभंकर क्या बनाया गया ये इंपॉर्टेंट है, कितने खेलों को शामिल किया गया और कौन से नए खेल शामिल किए गए ये सारे चीज इंपॉर्टेंट है, और इसका प्रथम संस्करण किस तिथि को आयोजित हुआ ये भी इंपॉर्टेंट है। सिंगल वन लाइनर क्वेश्चन बन सकता है या कथन आधारित प्रश्न में पूरा चीज आपको स्टेटमेंट के आधार पर दे देगा, ठीक है। चलिए अब इसका थोड़ा सा डिटेलिंग करते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये है आपका बछरू, ठीक है, जो छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का जो शुभंकर बनाया गया है बछरू ये है, ठीक है, शुभंकर, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का शुभंकर बछरू, ठीक। नेक्स्ट देखिए, देखिए ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों के लिए आयोजन की अवधि, जैसे कि आपको बताया गया कि ये 17 जुलाई से लेकर के आपका 27 सितंबर 2023 तक इसका आयोजन होगा। इसका आयोजन 6 अलग अलग स्तरों पर होगा। देखिए एक इसका जो आयोजन होगा ये होगा राजीव युवा मितान क्लब स्तर पर, जो कि 17 जुलाई से लेकर के 22 जुलाई 2023 तक इसका आयोजन होगा। उसके बाद नेक्स्ट स्तर है जोन स्तर, जिसमें 8 क्लब को मिला करके एक जोन बनाया जाएगा। तो जोन स्तर पर इस छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेलों का आयोजन 26 जुलाई से लेकर के 31 जुलाई 2023 तक होगा। तीसरा है आपका विकासखंड या नगरीय क्लस्टर स्तर, इसमें इसका आयोजन 7 अगस्त से लेकर के 21 अगस्त 2023 तक होगा। नेक्स्ट है जिला स्तर, जिसमें 25 अगस्त से लेकर के 4 सितंबर 2023 तक आयोजन होगा। नेक्स्ट है संभाग स्तर, जिसमें 10 सितंबर से लेकर के 20 सितंबर 2023 तक आयोजन होगा। और लास्ट है आपका राज्य स्तर, इस राज्य स्तर में आपका 25 सितंबर से लेकर के 27 सितंबर 2023 तक इस छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेलों का आयोजन होगा। राज्य स्तर पर सोमवार, मंगलवार और बुधवार, ये तीन दिन की अवधि में ये आपका राज्य स्तर पर छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें कि कौन कौन से खेल शामिल किए गए हैं, तो टोटल 16 प्रकार के खेलों को शामिल किया गया है। अगर दलीय श्रेणी के खेलों की बात करें तो दलीय श्रेणी के कुल 8 खेलों को शामिल किया गया, जिसमें नंबर ऑफ प्लेयर्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि गिल्ली डंडा, पिट्ठू, संखली, लंगड़ी दौड़, कबड्डी, खो खो, रस्सा कसी और बाटी, यानी कि कंचा। ये दलीय श्रेणी के खेल है। जबकि एकल श्रेणी के खेलों की बात करें, जिसे व्यक्तिगत तौर पर किसी एक व्यक्ति विशेष के द्वारा खेला जाएगा, तो वो कौन कौन से है, बिल्लस, फुगड़ी, गेड़ी दौड़, भावरा, 100 मीटर दौड़, लंबी कूद, रस्सी कूद और कुश्ती। देखिए जो रस्सी कूद और कुश्ती है ना, इसे इस साल पहली बार शामिल किया गया है, इंपॉर्टेंट है याद रखना। इसमें आपकी इनाम राशि भी प्रदान की जाएगी, जो विजेता रहेंगे उसे इनाम भी दिया जाएगा। जैसे कि विकासखंड स्तर पर प्रथम, द्वितीय, तृतीय पुरस्कार है 1000 रुपये, 750 रुपये, 500 रुपये। जिला स्तर पर जो विजेता रहेंगे उनकी राशि क्या है, आपका पुरस्कार राशि है 2000, 1500 और 1000 रुपये। संभाग स्तर पर जो विजेता खिलाड़ी या विजेता दल रहेगा उन्हें 3000, 2500, 2000 रुपये। और राज्य स्तर पर जो जीतेगा उनमें जो है प्रथम पुरस्कार है 5000, 4500 और 4000 रुपये,
ठीक है, यह है छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेल। नेक्स्ट देखिए, छत्तीसगढ़ कैबिनेट मंत्री, अभी हाल ही में ना छत्तीसगढ़ के कैबिनेट में फेरबदल हुआ है, छत्तीसगढ़ के कैबिनेट में फेरबदल हुआ है। पहला चीज तो ये कि हमारे छत्तीसगढ़ के पहले उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं टी एस सिंहदेव जी छत्तीसगढ़ के पहले उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, और उसके साथ साथ एक कैबिनेट मंत्री को हटा करके उनके स्थान पर एक नए मंत्री को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। ठीक है, अब ये है कौन कौन उसको ध्यान देना। देखिए इसमें से ना कुछ थोड़े बहुत चेंजेस हुए हैं, उसे मैंने आपके येलो कलर में लिखा है, उसको समझना। जैसे कि जो टी एस सिंहदेव जी है, ये छत्तीसगढ़ के पहले उप मुख्यमंत्री है। देखिए जो उप मुख्यमंत्री का पद है ना, ये संवैधानिक पद नहीं है। संविधान में देखिए, भारतीय संविधान के किसी भी अनुच्छेद में उप मुख्यमंत्री के पद का कोई भी उल्लेख या कोई भी प्रावधान नहीं है। उप मुख्यमंत्री का जो पद है हमारे ऐसा नहीं कि हमारा छत्तीसगढ़ पहला राज्य है जहां पे किसी को आपको उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। छत्तीसगढ़ के अलावा और भी राज्य है, जैसे कि यूपी में 2 उप मुख्यमंत्री है, आपका आंध्र प्रदेश में 5 उप मुख्यमंत्री है। ठीक है, हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के पहले उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं टी एस सिंहदेव जी। अब देखिए कैबिनेट में क्या क्या फेरबदल हुआ है उसको ध्यान से समझना। ये जो लिस्ट है करंट अफेयर के बुक में, मैं हर बार ये कैबिनेट मंत्रियों की लिस्ट को शामिल करता हूँ, फेरबदल जो हुआ है उसे ध्यान दीजिएगा। टी एस सिंहदेव जी, जिनके पास लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, चिकित्सा विभाग, वाणिज्यिक कर, जीएसटी विभाग था, उन्हें ऊर्जा विभाग भी सौंपा गया है। ये जो ऊर्जा विभाग है ना, ये इससे पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के पास था। ठीक है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के पास था यह आपका ऊर्जा विभाग। जबकि ताम्रध्वज साहू जी, जिन्हें गृह विभाग, लोक निर्माण विभाग, जेल विभाग, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व, पर्यटन विभाग इनके पास था, इन्हें एक और नई जिम्मेदारी दी गई है, कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग। इससे पहले ये भी जो विभाग था ये रविंद्र चौबे जी के पास था। रविंद्र चौबे जी के पास से यह विभाग सौंप दिया गया है ताम्रध्वज साहू जी को। रविंद्र चौबे जी, जिनके पास आपका ये जो कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग था, ये इनसे लेकर के ताम्रध्वज साहू जी को सौंपा गया। अब इनके पास पशुधन विकास, मछली पालन, जल संसाधन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग है। साथ ही साथ इन्हें स्कूली शिक्षा विभाग और सहकारिता विभाग भी दिया गया है। स्कूली शिक्षा विभाग पहले जो है प्रेम साय सिंह टेकाम जी के पास था। प्रेम साय सिंह टेकाम जी को हटाया गया है कैबिनेट मंत्रियों से। ठीक है, जो हमारे प्रदेश में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित टोटल 13 मंत्री जो है ये कैबिनेट मंत्री में है। ठीक है, मंत्रिमंडल के अंतर्गत है। तो यहां पर जो थे आपके प्रेम साय सिंह टेकाम जी थे, उन्हें हटा करके कैबिनेट मंत्री बनाया गया है श्री मोहन मरकाम जी को। मोहन मरकाम जी को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है, और इन्हें अनुसूचित जाति जनजाति विकास विभाग, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास विभाग इन्हें सौंपा गया है। सॉरी, ठीक है, तो ये जो विभाग था ये इससे पहले प्रेम साय सिंह टेकाम जी के पास था, और इसके साथ साथ उन्हें जो एक और जिम्मेदारी थी इनके पास, स्कूली शिक्षा विभाग, वो सौंप दिया गया है रविंद्र चौबे जी को। अब देखिए इससे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, इधर तरफ 3-4 मंत्रियों के नाम दे देगा कैबिनेट मंत्रियों का, उनसे संबंधित विभाग दे देगा और सुमेलित कीजिए करके देगा, मैच द फॉलोइंग। तो इसको थोड़ा सा कर लेना, किसके पास कौन सा विभाग है। ऊर्जा विभाग पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के पास था, अभी किसके पास है, टी एस सिंहदेव जी के पास। कृषि विभाग किसके पास था, रविंद्र चौबे जी के पास, अभी किसके पास है, ताम्रध्वज साहू जी के पास। प्रेम साय सिंह टेकाम जी को कैबिनेट मंत्री से हटा दिया गया है, नए कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं श्री मोहन मरकाम जी, जिनके पास एसटी एससी ओबीसी विकास विभाग एवं अल्पसंख्यक विकास विभाग है। रविंद्र चौबे जी को स्कूली शिक्षा और सहकारिता की अन्य जिम्मेदारी सौंपी गई है। ठीक है, तो इसे अच्छे से करना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है इसी से रिलेटेड आपका जो अधिसूचना जारी हुआ था उसमें देखिए एक चीज ध्यान देना, टी एस सिंहदेव जी का पूरा नाम क्या है, त्रिभुवनेश्वर शरण सिंहदेव जी। ये हमारे प्रदेश के पहले उप मुख्यमंत्री है। जैसे कि मैंने बताया इन्हें क्या सौंपा गया है, इन्हें सौंपा गया है ऊर्जा विभाग। ठीक है, इन्हें क्या सौंपा गया है, इन्हें सौंपा गया है आपका ऊर्जा विभाग। जबकि ताम्रध्वज साहू जी, जिन्हें सौंपा गया है आपका कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग। श्री मोहन मरकाम जी, जो कि नए कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं, इन्हें आदिम जाति विकास, अनुसूचित जाति विकास, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास विभाग सौंपा गया है। रविंद्र चौबे जी, जिन्हें आपका स्कूली शिक्षा और सहकारिता का अतिरिक्त विभाग सौंपा गया है। ठीक, इंपॉर्टेंट है इसे कवर करना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है प्रेम साय सिंह टेकाम जी, जो अभी हम बात कर रहे थे जिनकी, कि प्रेम साय सिंह टेकाम जी जिन्हें कैबिनेट मंत्री से हटाया गया है अभी, अब ये क्या है,
अब जो है इन्हें छत्तीसगढ़ राज्य योजना आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। अब इसको थोड़ा ध्यान देना, देखिए जैसे कि आपका नीति आयोग है, ठीक है, नीति आयोग है, वैसे ही हर राज्य में जो है योजना बनाने के लिए आपका राज्य योजना आयोग होता है। अब जैसे नीति आयोग का जो अध्यक्ष है वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, वैसे ही जो छत्तीसगढ़ राज्य योजना आयोग है उसके पदेन अध्यक्ष होते थे मुख्यमंत्री जी, ठीक है। पदेन अध्यक्ष कौन होते थे? मुख्यमंत्री। यानी कि जो कोई भी व्यक्ति छत्तीसगढ़ राज्य का मुख्यमंत्री बनेगा वो ऑटोमेटिकली छत्तीसगढ़ राज्य योजना आयोग का अध्यक्ष कहलाएगा। ये है हायरार्की, ठीक है। ये जो छत्तीसगढ़ राज्य योजना आयोग और उसके अंतर्गत कौन कौन से सदस्य शामिल है, ये उसकी एक हायरार्की फॉर्म है, ठीक है। तो जो व्यक्ति मुख्यमंत्री होता वो छत्तीसगढ़ राज्य योजना आयोग का ऑटोमेटिकली यानी कि पदेन अध्यक्ष बनता। लेकिन अब जो है मुख्यमंत्री जी इससे हट गए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हट गए और छत्तीसगढ़ राज्य योजना आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है प्रेम साय सिंह टेकाम जी को। साथ ही साथ इन्हें कैबिनेट मंत्री का भी दर्जा दिया गया है, ठीक है, कैबिनेट का भी इन्हें दर्जा दिया गया है। दर्जा मात्र दिया गया है, मंत्रिमंडल में शामिल नहीं है, केवल दर्जा दिया गया है। तो वर्तमान में प्रेम साय सिंह टेकाम जी जिन्हें कैबिनेट मंत्री से हटा करके इन्हें छत्तीसगढ़ राज्य योजना आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है, छत्तीसगढ़ राज्य योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष छत्तीसगढ़ राज्य का मुख्यमंत्री होता है। लेकिन अब इसको चेंज कर दीजिएगा, ये मुख्यमंत्री को हटा करके यहाँ पर प्रेम साय सिंह टेकाम जी को बनाया गया है क्या, छत्तीसगढ़ राज्य योजना आयोग का अध्यक्ष, ठीक है। अगर उपाध्यक्ष कौन है पूछा जाए तो उपाध्यक्ष है आपके अजय सिंह जी, ठीक है, उनका भी नाम याद रख लेना, बाकी के नाम को याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। अध्यक्ष उपाध्यक्ष से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA की बाघ रिपोर्ट। हाल ही में भारत में बाघों की स्थिति पर एक रिपोर्ट जारी किया गया है विश्व बाघ दिवस के अवसर पर, वर्ल्ड टाइगर डे। विश्व बाघ दिवस जो कि मनाया जाता है प्रतिवर्ष 29 जुलाई को, 29 जुलाई 2023 को नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की बाघ रिपोर्ट आई है जो कि 2012 की है, 2012 की यह रिपोर्ट है। भारत में बाघों की कुल संख्या वर्ष 2022 तक की स्थिति में है 3682। अब यहां पर ध्यान देना, मुख्य जो आपके भारत के जो प्रधानमंत्री है उनके द्वारा बिग कैट अलायंस जो है ये आपके लास्ट महीने शायद घोषणा किया गया था, जिसमें बाघों की अनुमानित संख्या बताई गई थी। देखिए ध्यान दीजिए, अप्रैल महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 3167 बाघों की अंतरिम अनुमानित संख्या जारी की थी, लेकिन अब फाइनल रिपोर्ट आ गया है। अब अगर प्रश्न पूछा जाएगा कि बाघ रिपोर्ट के आधार पर भारत में बाघों की कुल संख्या कितनी है, तो 3167 मत लगाना, यह आंसर होगा 3682, ठीक है, 3682। 2018 में यह आंकड़ा था 2967, ठीक है, 2967, 2967 बाघों की संख्या थी 2018 में। अब देखिए ये जो आपकी जो बाघों की जो गणना है ना, ये प्रत्येक 4 साल में की जाती है, 4 साल में एक बार बाघ रिपोर्ट जारी किया जाता है। तो अखिल भारतीय स्तर पर बाघों की संख्या में वृद्धि हुई है। भारत में बाघों की कुल संख्या कितनी है बाघ रिपोर्ट 2022 के आधार पर, वो कितनी है? 3682, ठीक है। जो भारत के प्रधानमंत्री है उन्होंने अप्रैल महीने में इसका एक अंतरिम अनुमानित आंकड़ा बताया था 3167, ठीक है, लेकिन फाइनल डाटा आ चुका है कितना है, 3682 बाघ है पूरे भारत भर में। अब देखिए, भारत का टाइगर स्टेट का दर्जा किसे दिया गया है? भारत के टाइगर स्टेट का दर्जा दिया गया है मध्य प्रदेश राज्य को, मध्य प्रदेश राज्य जो कि लगातार दूसरी बार भारत का टाइगर स्टेट बना है। 2018 में भी टाइगर स्टेट का दर्जा दिया गया था, अभी 2022 के रिपोर्ट में भी इसे टाइगर स्टेट का दर्जा दिया गया है। 2022 की गणना में मध्य प्रदेश में 785 बाघ है, ठीक है, 785 बाघ आपके मौजूद है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश तीसरी बार टाइगर स्टेट बना है, इससे पहले 2006 में टाइगर स्टेट बना था और 2018 और 2022 में लगातार दो बार यह टाइगर स्टेट बना है, ठीक है। तो भारत का टाइगर स्टेट कौन सा पूछा जाए तो वो है आपका मध्य प्रदेश, ठीक। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए कहां पर कितने बाघ है पूछा जाए
तो भारत में सर्वाधिक बाघ, भारत में सर्वाधिक बाघ मौजूद है आपके मध्य प्रदेश में। कहां पर मौजूद है? मध्य प्रदेश में। कितने? 785 बाघ। सेकंड नंबर पर है कर्नाटक, जहां पर 563। थर्ड नंबर पर है उत्तराखंड, जहां पर है 560। कम से कम टॉप थ्री के नाम याद रखना। पहले पर कौन सा है? पहले पर है मध्य प्रदेश 785। सेकंड नंबर पर कर्नाटक कितना है? 563। थर्ड नंबर पर उत्तराखंड कितना है? 560। हमारे छत्तीसगढ़ में बाघों की संख्या कितनी है पूछा जाए तो छत्तीसगढ़ में बाघों की संख्या है 17। जो बाघ रिपोर्ट आया था 2018 में, 2018 के बाघ रिपोर्ट के आधार पर छत्तीसगढ़ में बाघों की संख्या थी 19, अभी कितनी हो गई है? 17, -2, दो बाघ कम हुए हैं छत्तीसगढ़ में। ठीक है, अब देखिए पूरे भारत भर में जो आपके टाइगर रिजर्व है, टाइगर रिजर्व में सर्वाधिक बाघ किस टाइगर रिजर्व में बोला जाए तो वो है आपके जिम कार्बेट में। अकेले जिम कार्बेट टाइगर रिजर्व में 260 आपके टाइगर है। ठीक, यहां पर अलग अलग राज्यों में जो टाइगर रिजर्व है उनमें भी बाघों की संख्या बताई गई है। सर्वाधिक जो बाघ मौजूद है वो है आपके जिम कार्बेट उत्तराखंड में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसे याद रख लेना। इसके अलावा यहां पे सुंदरवन का भी आंकड़ा दिया गया, दुधावा उत्तर प्रदेश का दिया गया है, मध्य प्रदेश के आंकड़े यहां पर दिए गए हैं, महाराष्ट्र का दिया गया है, कर्नाटक के बांदीपुर और नागरहोल का दिया गया है, तो इसे यहां से देख कर सकते हैं। लेकिन ध्यान देना कि इन सब में से सर्वाधिक बाघ किस टाइगर रिजर्व में है, तो जिम कार्बेट में जो है सर्वाधिक आपके बाघ मौजूद है। ठीक, अब देखिए, अब हम देखेंगे छत्तीसगढ़ के आंकड़े। छत्तीसगढ़ में बाघों की संख्या कितनी है? छत्तीसगढ़ में बाघों की संख्या है आपकी 17। 2018 के रिपोर्ट के आधार पर छत्तीसगढ़ में बाघों की संख्या थी 19, जिसमें अब दो बाघों की कमी दर्ज की गई है इस बार के रिपोर्ट में। देखिए पिछले कुछ 5 बार के रिपोर्ट के आंकड़े यहां पर दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ में लगातार कम हो रही बाघों की संख्या। सर्वे रिपोर्ट वर्ष 2006 में 26 थे, 10 में आए रिपोर्ट में भी 26 थे, 14 में आए रिपोर्ट जो आपका आया था उसमें 46 बाघ थे छत्तीसगढ़ में। ठीक है, देखिए 26 के बाद सीधा 46, और उसके बाद जो 2018 में जो रिपोर्ट आया उसमें कितना कमी आई, देखिए 19 बाघ और अभी 17 बाघ। 2014 में 46 बाघ थे, ठीक है, उसके 4 साल बाद जो रिपोर्ट आया 2018 में 19 बाघ, उसके 4 साल बाद अभी जो रिपोर्ट आया 2022 वाला रिपोर्ट, उसमें कितने बाघ बचे हैं? मात्र 17 बाघ। लगातार बाघों का शिकार होता है, उस बाघ के शरीर का जो खाल है वो बेचा जाता है, बाघ के दांत, बाघ के जो नाखून है, इनका अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में काफ़ी डिमांड है, इस कारण से लगातार बाघों का शिकार होता है। हमारे प्रदेश में इस आपके बाघ रिपोर्ट 2022 के आंकड़ों के आधार पर मात्र 17 बाघ बचे हैं। ठीक, देखिए छत्तीसगढ़ टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या देखिए हमारे प्रदेश में टोटल आपके 3 टाइगर रिजर्व है। गुरु घासीदास तमोर पिंगला को ये कभी कंसीडर करता ही नहीं है, ठीक है, उसे अभी टाइगर रिजर्व का दर्जा नहीं दिया गया। अभी हाल ही में आपका न्यूज़ आया था, टेलीग्राम में जाकर सर्च कीजिएगा गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व, तो आपको मिल जाएगा CGPSC पाठशाला के आपके टेलीग्राम चैनल में। उसमें अभी हाल ही में एक आंकड़ा आया था कि ये जो है टाइगर रिजर्व के पैमाने पर सही तरीके से खड़े नहीं हो पा रहा है। तो अभी हमारे प्रदेश में 3 टाइगर रिजर्व जो कि इस बाघ गणना 2022 में शामिल है। अचानक मार में टोटल आपके 5 बाघ है, 5 बाघ जो है ट्रैप किए गए हैं कैमरे में। उद्यंती सीता नदी में 1 बाघ और इंद्रावती में 1 बाघ। अचानक मार जो टाइगर रिजर्व है ये कहां पर है? मुंगेली बिलासपुर वाले क्षेत्र में। उद्यंती सीता नदी आपका धमतरी गरियाबंद वाले क्षेत्र में। इंद्रावती जो कि बीजापुर में है। तो सर्वाधिक जो बाघ है ये अचानक मार टाइगर रिजर्व में देखे गए। उद्यंती सीता नदी और इंद्रावती में मात्र 1-1 बाघ देखे गए। कितने हो गया आपका? 7। ठीक है, जबकि हमारे प्रदेश में कितने बाघ है? टोटल 17 बाघ है। जो बचे हुए जो 10 बाघ है ना वो टाइगर रिजर्व में नहीं, टाइगर रिजर्व के बाहर है, छत्तीसगढ़ में ही है, छत्तीसगढ़ के वन यानी कि जंगल क्षेत्र में ही देखे गए हैं, लेकिन वो इस टाइगर रिजर्व के एरिया के अंतर्गत नहीं देखे गए हैं। छत्तीसगढ़ में टोटल 17 बाघ है। ठीक है, देखिए जो आपका जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जब बाघ अनुमान रिपोर्ट जब जारी किया गया था, जिसमें अंतरिम अनुमानित रिपोर्ट बताया गया था, उस समय रैंकिंग आई थी, ठीक है, टाइगर रिजर्व की रैंकिंग आई थी, तो उस टाइगर रिजर्व की राष्ट्रीय रैंकिंग में अचानक मार टाइगर रिजर्व 39वें स्थान पर है, उद्यंती सीता नदी 48वें स्थान पर और इंद्रावती जो है ये 50वें स्थान पर है। आकलन में टाइगर रिजर्व को एक्सीलेंट, वेरी गुड, गुड और फेयर श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है।
ठीक है, ऐसे श्रेणी बताई गई थी, तीन चार श्रेणी थी, एक एक्सलेंट श्रेणी जिसमें काफी अच्छा है टाइगर रिजर्व का प्रदर्शन, वेरी गुड, गुड, फिर फेयर श्रेणी। तो हमारे छत्तीसगढ़ का जो अचानक मार टाइगर रिजर्व है ना, ये तीसरी श्रेणी गुड के अंतर्गत रखा गया है, गुड के अंतर्गत। बाकी के जो बचे हुए दो है, उद्यंती सीता नदी और आपकी इंद्रावती, इसे सबसे लास्ट कैटेगरी यानी कि फेयर श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है। तो ये सारे रैंकिंग और ये सारे आंकड़ों को याद रखना, पिछले पांच साल के आंकड़ों को भी याद रख लेना, 26, 26, 46, फिर लगातार ड्रॉप हुआ है 19 और आपका 17, ठीक। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश का सबसे बड़ा सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट, प्रदेश का सबसे बड़ा सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट ये कहां पर स्थापित किया जाएगा, ये स्थापित किया जाएगा आपके कोरबा में। हाल ही में इसका शिलान्यास किया गया है, ठीक है, भूमि पूजन किया गया है 29 जुलाई 2023 को। यहां पर 1320 मेगावाट क्षमता का यहां पर सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट स्थापित किया जाएगा, 660 मेगावाट की दो इकाइयां यहां पर स्थापित की जाएगी, 660 मेगावाट की दो इकाइयां, ठीक है, 660 प्लस 660 टोटल होता है 1320 मेगावाट, ठीक। देखिए, ये जो आपका प्रदेश का सबसे बड़ा सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट जो कि कोरबा में स्थापित किया जाएगा, इसका नाम भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी के नाम पर रखे जाने की घोषणा की गई है। यह सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर स्टेशन प्रदेश का सबसे बड़ा और आधुनिक संयंत्र होगा। विशेष बात क्या है, हसदेव ताप विद्युत गृह की नवीन सुपर क्रिटिकल ताप विद्युत परियोजना कोरबा पश्चिम का यह भाग है, ठीक है, जो हसदेव ताप विद्युत गृह है उसी का ही भाग है आपका ये प्रदेश का स्थापित किया जाने वाला सबसे बड़ा सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट। तो ये हसदेव ताप विद्युत गृह की नवीन सुपर क्रिटिकल ताप विद्युत परियोजना कोरबा पश्चिम का ही ये हिस्सा है। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1957 में कोरबा में बिजली प्लांट की पहली शुरुआत की थी। जो हमारे छत्तीसगढ़ में जो पहला आपका बिजली प्लांट स्थापित किया गया था वो प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा 1957 में कोरबा में ही किया गया था, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट को याद रख लेना, ठीक। प्रश्न पूछा जाएगा कि प्रदेश का सबसे बड़ा सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, कोरबा जिले में, उसकी क्षमता कितनी होगी, 1320 मेगावाट, कितनी इकाइयाँ स्थापित की जाएगी, दो इकाई, 660 मेगावाट की दो इकाई, ठीक। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है महात्मा गांधी अर्बन इंडस्ट्रियल पार्क, महात्मा गांधी अर्बन इंडस्ट्रियल पार्क UIPA। अब ये क्या है, देखिए आप सभी को पता होगा कि हमारे प्रदेश में रीपा, ठीक है, रीपा जो है ये महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क योजना है, ठीक है, जो कि 2 अक्टूबर 2022 को यह योजना प्रारंभ किया गया था। ये योजना क्या था, ग्रामीण क्षेत्रों में चयनित गौठानों को आजीविका केंद्र के रूप में विकसित करना, यह महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क योजना का मुख्य उद्देश्य था। पूरे प्रदेश भर में 300 रूरल इंडस्ट्रियल पार्क प्रथम चरण में स्थापित किए जाएंगे, जिसमें प्रत्येक विकास खंड में दो रीपा यानी कि महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क स्थापित करने की योजना थी, ठीक। तो ये जो आपका महात्मा गांधी रूरल का मतलब क्या होता है, ग्रामीण क्षेत्र। अब इसी के तर्ज पर महात्मा गांधी अर्बन का मतलब शहरी क्षेत्र इंडस्ट्रियल पार्क की शुरुआत की गई है। इसका लोकार्पण किया गया है 1 जुलाई 2023 को, वर्चुअल शिलान्यास किया गया इसका। देखिए, इसके अंतर्गत टोटल UIPA यानी कि महात्मा गांधी अर्बन इंडस्ट्रियल पार्क टोटल 58 नगरीय निकायों में ये महात्मा गांधी अर्बन इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना की जाएगी, यानी कि प्रदेश के 14 नगर निगम और 44 नगर पालिका दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 58, ठीक है। इसका जो क्रियान्वयन है, राज्य शहरी विकास अभिकरण सूडा के माध्यम से इसका क्रियान्वयन किया जाएगा। इसका प्रशासकीय विभाग रहेगा आपका नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग। इसका देखिए विशेष बात क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, जैसे कि रीपा कार्यक्रम जो है या रीपा जो योजना है, महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क योजना, ये ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित है। ग्रामीण क्षेत्र के चयनित गोठानों को आजीविका केंद्र के रूप में विकसित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। वैसे ही
जो UIPA है यानी कि महात्मा गांधी अर्बन इंडस्ट्रियल पार्क, इसका मुख्य उद्देश्य शहरी गरीब परिवार के लिए रोजगार उद्यमिता के माध्यम से अतिरिक्त आय के स्रोत विकसित करना, शहरी सतत अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना, शहरी क्षेत्र में कुटीर एवं सेवा उद्योगों के लिए प्लग एंड प्ले आधारित उद्योग एवं वातावरण विकसित करना। ग्रामीण क्षेत्र के लिए क्या है, महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क योजना रीपा, उसी के तर्ज पर शहरी क्षेत्र के लोगों को, जो गरीब परिवार के लोगों का आजीविका का माध्यम बनाने के लिए महात्मा गांधी अर्बन इंडस्ट्रियल पार्क योजना, इसका लोकार्पण कब किया गया, 1 जुलाई 2023 को इसका लोकार्पण किया गया। इंपॉर्टेंट है डेट के साथ याद रखना और दोनों को कंपेयर करके याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है सोने और हीरे के खदान की नीलामी। इसमें केवल आपको खदानों के नाम याद रखना है, ठीक है। देखिए यह संस्था जो है हमारे प्रदेश में आपका सर्वे करा चुकी है, कौन कौन से, डायरेक्टर ऑफ जियोलॉजी एंड माइनिंग छत्तीसगढ़, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड कंसल्टेंसी, इनके द्वारा है जो है हमारे छत्तीसगढ़ में सर्वे कराया गया। हमारे प्रदेश में सोने और हीरे के खदान कहाँ कहाँ पर है, महासमुंद के बसना, बसना में जो है हीरे का खदान है, डायमंड ब्लॉक है, ठीक है, यहाँ पर उसका रकबा दिया गया है। महासमुंद जिले के चनत जोगी दादर में गोल्ड का माइन है एंड एसोसिएटेड मिनरल्स, यानी कि सोना और सोने से संबंधित जो उसके एसोसिएटेड मिनरल्स है, उससे संबंधित जो खनिज है, इसका भंडारण है महासमुंद जिले के चनत और जोगी दादर में। और तीसरा है कांकेर के तुमड़ीसूर, ठीक है, कांकेर के तुमड़ीसूर गर्दा में गोल्ड के ब्लॉक है। तो ये ब्लॉक के नाम याद रखना। इसकी अभी हाल ही में ई नीलामी के लिए टेंडर निकाला गया है, आपके लिए ई नीलामी हो रही है, कितना टेंडर निकाला गया है, कितना रकबा है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है कि महासमुंद जिले के बसना में डायमंड ब्लॉक है यानी कि हीरे के भंडारण है, महासमुंद जिले के चनत जोगी दादर में गोल्ड माइन है, ठीक है, आपके सोने के भंडारण है, और कांकेर जिले के तुमरीसूर गर्दा में आपके गोल्ड माइन है यानी कि सोने के खान है, ठीक। नेक्स्ट देखिए, पृथ्वी अवार्ड 2023 ESG ग्लोबल कॉन्फ्रेंस में पृथ्वी अवार्ड ESG रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा हमारे प्रदेश को पृथ्वी अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है, ठीक है। ESG, E से एनवायरमेंट, S से सोशल, ठीक है, सामाजिक, सोशल, और G से जो है आपका, G से गवर्नेंस, ठीक। तो ESG ग्लोबल कॉन्फ्रेंस में पृथ्वी अवार्ड ESG रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा हमारे छत्तीसगढ़ राज्य लघु वन उपज संघ को पृथ्वी अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। यह अवार्ड पर्यावरण सामाजिक कल्याण, यही है आपका ESG, ठीक है, जो हम ये ESG की बात कर रहे हैं यही है, पर्यावरण सामाजिक कल्याण और सुशासन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए सरकारी श्रेणी का पुरस्कार प्रदान किया गया है पृथ्वी अवार्ड छत्तीसगढ़ राज्य लघु वन उपज संघ को। जबकि हमारे छत्तीसगढ़ के दो सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी कि स्व सहायता समूह को ग्रामीण विकास और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए गैर सरकारी स्वयं सेवक श्रेणी का अवार्ड, पृथ्वी अवार्ड दिया गया है दो स्वयं सहायता समूहों को। कौन कौन से है ध्यान दीजिएगा, एक है आपका कवर्धा जिले का जुनवानी गांव का जय बूढ़ा देव स्व सहायता समूह, और दूसरा है बस्तर जिले के आसना गांव का वर्षा स्व सहायता समूह। इन दोनों को भी ग्रामीण विकास और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए इन्हें पृथ्वी अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। सरकारी श्रेणी का अवार्ड मिला छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ को, दो स्वयं सहायता समूहों को ग्रामीण विकास और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए कवर्धा जिले के जय बूढ़ा देव स्व सहायता समूह और बस्तर जिले के वर्षा स्व सहायता समूह को यह पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट देखिए, भूमि सम्मान प्लेटिनम सर्टिफिकेट 2023। ये जो छोटे मोटे अवार्ड है ना, इससे आजकल एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। अगर कुछ पिछले साल के कुछ क्वेश्चन पेपर को उठा करके देखेंगे तो देखिए हम क्या है, मेन बड़े बड़े अवार्ड को देखते हैं, पद्मश्री अवार्ड, राज्य अलंकरण पुरस्कार, ये सब पुरस्कारों पर हम मेन फोकस करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे बेसिक जो छोटे मोटे जो बीच बीच में जो हमारे छत्तीसगढ़ को पुरस्कार मिले ना, इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो भूमि सम्मान प्लेटिनम सर्टिफिकेट 2023 ये मिला है बेमेतरा जिला और सरगुजा जिले को,
18 जुलाई 2023 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में एक कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें भारत के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा भूमि सम्मान प्लेटिनम सर्टिफिकेट से छत्तीसगढ़ के दो जिले बेमेतरा जिला और सरगुजा जिले को सम्मानित किया गया। क्यों सम्मानित किया गया? भूमि प्रबंधन एवं प्रशासन के लिए। देखिए अभी है क्या समझना, डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम DILRMP से जुड़े चार घटक कौन कौन से हैं? लैंड रिकॉर्ड का डिजिटाइजेशन, पंजीकरण कार्यालय का तहसील कार्यालय से समन्वयन, मॉडर्न रिकॉर्ड रूम तथा सर्वे रीसर्वे के कार्य के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए। अगर सीधे साधारण शब्दों में हम बोले तो जैसे किसी के जमीन का कोई खसरा निकालना होता है या किसी के जमीन का कोई नक्शा निकालना होता है, तो इसका कर दिया गया डिजिटाइजेशन, यानी कि आप लैपटॉप में बैठ करके मोबाइल के माध्यम से लॉगिन करके ऑनलाइन आप ये रिकॉर्ड को निकाल सकते हैं। ठीक है, यानी कि देखिए क्या है, लैंड रिकॉर्ड का डिजिटाइजेशन, जितने भी जो आपके ऑफलाइन रिकॉर्ड है उसे कर दिया गया ऑनलाइन। अब कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी बैठ करके अपना जमीन का रिकॉर्ड दे सकता है, देख सकता है। पंजीयन कार्यालय का तहसील कार्यालय में उनका विलय कर दिया गया है। मॉडर्न रिकॉर्ड रूम बनाया गया और सर्वे रिसर्वे के कार्य के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पुरस्कार मिला। देखिए DILRMP के अंतर्गत, यानी कि डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के अंतर्गत प्रदेश में भूमि प्रबंधन से जुड़े 95% कार्य पूर्ण हो चुके हैं। ये पूरे छत्तीसगढ़ की बात हो रही है, जबकि सरगुजा और बेमेतरा जिले में 100% ये काम पूरा हो चुका है। इस पूरी व्यवस्था का उद्देश्य नागरिकों को राइट टू रिकॉर्ड, यानी कि रिकॉर्ड का अधिकार सुनिश्चित करना, इसका मुख्य उद्देश्य है। राष्ट्रपति जी के द्वारा देश के 9 राज्य के 68 जिलों को भूमि सम्मान प्लेटिनम अवार्ड से सम्मानित किया गया, जिसमें हमारे छत्तीसगढ़ के 2 जिले शामिल है। ठीक है, इसे भी याद रख लेना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है अनाउंसमेंट। हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा कुछ घोषणाएं की गई है, जैसे कि मुख्यमंत्री विशेष सहायता योजना। ये जो मुख्यमंत्री विशेष सहायता योजना है, ये स्वास्थ्य से संबंधित योजना है। ठीक है, स्वास्थ्य सहायता योजना जिसके अंतर्गत जो है बहुत सारे अलग अलग योजना इसी के अंतर्गत आपका इंटीग्रेट है, जैसे कि आयुष्मान भारत योजना। ठीक है, जो आपका आयुष्मान कार्ड बनते हैं वो भी इसी के अंतर्गत इंटीग्रेटेड। तो ये जो आपका मुख्यमंत्री विशेष सहायता योजना, जिसके अंतर्गत अधिकतम सहायता राशि 20 लाख रुपए थी, उसे बढ़ा करके कर दिया गया है 25 लाख। अब ये मुख्यमंत्री विशेष सहायता योजना क्या है, आगे हम जब हमारा छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण वाला टॉपिक आएगा, जिसमें चिकित्सा वाला टॉपिक है, उसमें हम इसका पूरा डिटेलिंग करेंगे। ठीक है, अभी बस ये ध्यान रखना कि इसकी राशि जो थी आपकी 20 लाख रुपए, इसे बढ़ा करके 25 लाख रुपए करने की घोषणा की गई है। इसके साथ साथ एक नई योजना की भी घोषणा की गई है, ग्रामीण आवास न्याय योजना। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा इस नए योजना की घोषणा की गई है। ठीक है, देखिए ये क्या है, आवासहीन परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध कराना हमारी प्राथमिकता होगी। इसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने कहा कि ऐसे परिवार जिनके पास आवास नहीं है, आवासहीन है, उन्हें पक्का मकान, पक्का आवास उपलब्ध कराना ये प्राथमिकता होगी इस योजना की। अब देखिए ये योजना क्या है, इसको समझना। सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2011 यानी कि जनगणना 2011 की सूची के आधार पर प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास की पात्रता निर्धारित होने से वर्तमान स्थिति में प्रदेश के जरूरतमंद परिवारों को आवास स्वीकृति में कठिनाई हो रही है। इसे दूर करने के लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा किए गए सर्वे के आधार पर पात्र परिवारों के लिए राज्य संसाधनों से ग्रामीण आवास न्याय योजना प्रारंभ करने की घोषणा की गई है। अब इसका मतलब क्या है, देखिए यहां पर बात किया जा रहा है प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास की पात्रता का, यानी कि बहुत से ऐसे परिवार जो कि सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2011 के सर्वे के आधार पर प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास के लिए पात्र नहीं है, यानी कि उन्हें जो है अपात्र कर दिया गया है, या वो उसमें पात्रता पाने के लिए उन्हें कठिनाई हो रही है। तो ऐसे लोग जो कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना से वंचित है, लेकिन एक्चुअली में वो पक्का मकान डिजर्व करते हैं, पक्का मकान उन्हें मिलना चाहिए, तो उन्हें जो है पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जो सर्वे किया गया है छत्तीसगढ़ में, उसके तहत पात्र परिवारों को जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पात्र नहीं हुए, अपात्र हो गए हैं, उन्हें पक्का आवास दिया जाएगा।
यानी कि सीधे साधारण शब्दों में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का लाभ जिन्हें नहीं मिल रहा है उनके लिए प्रदेश सरकार लाई है ग्रामीण आवास न्याय योजना। ठीक है, अभी इसकी शुरुआत नहीं हुई है, केवल घोषणा किया गया है कि जल्द ही प्रदेश सरकार इसे शुरू करेगी, केवल घोषणा किया गया है इस योजना का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, छह समुदायों को अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल। हाल ही में प्रदेश के छह समुदाय कौन कौन से, धनुहार, धनुवार, किसान, सौरा, सावरा, बिंझिया, इन्हें जो है इन्हें अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल करने से संबंधित एक विधेयक राज्यसभा में इसे मंजूरी मिल गई है। देखिए, संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश पांचवा संशोधन विधेयक 2022 को राज्यसभा में मंजूरी मिली है। कोई भी विधेयक सबसे पहले लोकसभा में प्रस्तुत होता है, फिर लोकसभा से पारित होता है, राज्यसभा में प्रस्तुत होता है, राज्यसभा से पारित होता है, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा हस्ताक्षर किया जाता है, तब वह अखिल भारतीय स्तर पर लागू होता है। ठीक है, तो वैसे ही जो है हमारे प्रदेश के छह समुदाय को अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल करने से संबंधित एक विधेयक लोकसभा में लाया गया था आपके दिसंबर 2022 में, वहां से वह पारित हो गया, अब इसे राज्यसभा में रखा गया और राज्यसभा ने भी इस पर अपनी मंजूरी दे दी है। तो हमारे प्रदेश के छह आपके जनजाति जो कि जल्द ही अनुसूचित जनजाति ST शेड्यूल्ड ट्राइब अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल होंगे, कौन कौन से, धनुहार, धनुवार, किसान, सौरा, सावरा और बिंझिया। ठीक है, इसके साथ साथ भुइयां और भुइयां, देखिए दो अलग अलग है, सुनने में सेम लग रहा है लेकिन लिखने में अलग है, भुइयां और भुइयां को भार्य भूमिया समुदाय के पर्यायवाची के रूप में औपचारिक रूप देने का भी प्रयास किया गया है इस विधेयक के माध्यम से। यानी कि कई बार क्या होता है कि कुछ जनजाति जिन जो अपने देखिए कुछ लोग भुइयां लिखते हैं और कुछ लोग इस प्रकार से भुइयां लिखते हैं, लेकिन इन अलग अलग प्रकार से लिखे जाने के कारण उन्हें योजना का लाभ नहीं मिल पाता या ये अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल नहीं होते हैं। तो इन दोनों को भार्य भूमिया समुदाय के पर्यायवाची के रूप में इन्हें शामिल करने का ही प्रयास किया गया है। साथ ही साथ पांडो, ठीक है, पांडो जो कि राज्य सरकार के विशेष रूप से पिछड़ी हुई जनजाति में से एक है, पांडो समुदाय के नाम की तीन देवनागरी संस्करण को भी इसमें शामिल करने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, तो ये राज्यसभा से इसे मंजूरी मिल गई है। तो ये छह जनजाति के नाम याद रखना। इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ के दो समुदाय को अनुसूचित जाति यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट, ये शेड्यूल्ड ट्राइब है ST, ये SC है, छत्तीसगढ़ के दो समुदाय को अनुसूचित जाति SC सूची में शामिल, कौन कौन से, महरा और महारा। ठीक, देखिए विधेयक में महार समुदाय के पर्यायवाची के रूप में महारा और महरा को जोड़ने का प्रयास किया गया है। महरा और महारा जाति को महार, मेहरा और मेहर के पर्यायवाची के रूप में शामिल किया गया है। देखिए सुनने में सेम लगते हैं लेकिन देखिए महरा महारा जिन्हें महार, मेहार, मेहरा और मेहर के पर्यायवाची के रूप में शामिल किया गया है। लोकसभा में 1 अगस्त 2023 को संविधान अनुसूचित जाति आदेश संशोधन विधेयक 2023 को मंजूरी दे दी गई है। यानी कि लोकसभा से ये बिल पास हो गया, अब ये जाएगा राज्यसभा में। ठीक है, तो ये जो दो है आपके महार, महारा और महर, महरा, ये दोनों को आपका महार, मेहरा और मेहर के पर्यायवाची के रूप में शामिल किया जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें जो है राज्य में अनुसूचित जनजाति के लिए सरकारी योजनाओं और लाभों का विस्तार लगभग 2 लाख से अधिक लोगों तक पहुंचेगा। यानी कि अगर ये दोनों को शामिल कर दिया गया तो लगभग 2 लाख लोगों को इसका लाभ मिलेगा। छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति की यानी कि SC कैटेगरी की कुल जनसंख्या है 32.74 लाख, जो कि राज्य की कुल जनसंख्या का 12.82% है। ठीक है, तो इसको भी थोड़ा ध्यान देना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कुछ सिंगल वन लाइनर है, छत्तीसगढ़ के ITI बनेंगे हाईटेक। ITI, देखिए ITI के आधुनिकीकरण के लिए 1188.36 करोड़ की परियोजना पर तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास विभाग का और टाटा टेक्नोलॉजीज के बीच में MOU हस्ताक्षर हुआ है। यानी कि टाटा टेक्नोलॉजी के सहयोग से छत्तीसगढ़ सरकार छत्तीसगढ़ के 36
आईटीआई को हाईटेक बनाने का प्रयास कर रही है, ठीक है। छत्तीसगढ़ के 36 आईटीआई को हाईटेक बनाया जाएगा टाटा टेक्नोलॉजी की सहायता से। नेक्स्ट है गंगा सोना। गंगा सोना जिसका संबंध है सॉफ्टबॉल से, ठीक है, सॉफ्टबॉल की प्लेयर है, सॉफ्टबॉल खिलाड़ी है, चर्चा में क्यों रही, प्रदेश की पहली महिला खिलाड़ी जिनका चयन एशियन गेम्स के लिए भारतीय टीम में हुआ है। तो गंगा सोना का संबंध किससे है, सॉफ्टबॉल खिलाड़ी है छत्तीसगढ़ की, प्रदेश की पहली महिला खिलाड़ी जिसका चयन एशियन गेम्स में भारतीय टीम के लिए इनका चयन हुआ है। तो इनका भी नाम याद रख लेना, गंगा सोना, ठीक। नेक्स्ट देखिए कुमारी ज्ञानेश्वरी यादव। कुमारी ज्ञानेश्वरी यादव हमारे प्रदेश की स्टार प्लेयर है, जैसे कि आपकी आकर्षी कश्यप, वैसे ही हमारे प्रदेश की स्टार प्लेयर है आपकी ज्ञानेश्वरी यादव। ज्ञानेश्वरी यादव कौन है, इनका संबंध है महिला वेटलिफ्टर यानी कि भारोत्तोलन। देखिए इंग्लिश में वेटलिफ्टर और हिंदी में क्या होगा, भारोत्तोलन, भारोत्तोलक, ठीक है। ये आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों याद रखना। ये निवासी है राजनांदगांव जिले की। हाल ही में चर्चा में क्यों रही, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा पुलिस विभाग में इन्हें सहायक उपनिरीक्षक यानी कि एएसआई के पद पर नियुक्त किया गया है। इनकी उपलब्धियों के आधार पर अगर हम इनकी उपलब्धियों की बात करें तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में यह 6 गोल्ड मेडल और 6 रजत पदक हासिल कर चुकी है। खेलो इंडिया यूथ गेम में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। कॉमनवेल्थ जूनियर एवं सीनियर वर्ग में वेटलिफ्टिंग में इन्होंने स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली छत्तीसगढ़ की पहली महिला वेटलिफ्टर होने की भी उपलब्धि इन्हीं के नाम पर है। 2022 में जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप जो कि ग्रीस में आयोजित हुआ, इसमें इन्होंने रजत पदक जीता। इनकी उपलब्धियों के आधार पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा इन्हें पुलिस विभाग में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर नियुक्त किया गया है, ठीक है। ज्ञानेश्वरी यादव नियुक्त किया गया, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इनका संबंध किस खेल से है, इनका संबंध है वेट लिफ्टिंग से, ठीक है। महिला वेट लिफ्टर है हमारे प्रदेश की, ठीक। देखिए ये है आपकी ज्ञानेश्वरी यादव, ये मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के साथ, और ये है, ये होती है आपकी वेट लिफ्टिंग, ठीक है, वजन उठाना, भारोत्तोलन, ठीक। नेक्स्ट देखिए आकांक्षी जिला डेल्टा रैंकिंग 2023। आकांक्षी जिला डेल्टा रैंकिंग जिसमें कृषि एवं जल संसाधन के क्षेत्र के लिए राजनांदगांव को तीसरा स्थान मिला है। नीति आयोग ने राजनांदगांव की इस उपलब्धि के लिए चैंपियन ऑफ चेंज के तौर पर इसकी सराहना की है। अगर आकांक्षी जिला के डेल्टा रैंकिंग की बात करें कृषि एवं जल संसाधन क्षेत्र के लिए, तो पहले नंबर पर है आंध्र प्रदेश का YSR, सेकेंड नंबर पर है उड़ीसा राज्य का आपका रायगढ़, थर्ड नंबर पर है छत्तीसगढ़ राज्य का राजनांदगांव, ठीक है, फोर्थ नंबर पर है उड़ीसा का गजपति, और फिफ्थ नंबर पर है उड़ीसा का धेन कनाल, ठीक है। ये आपके टॉप 5 है जिसमें हमारा छत्तीसगढ़ जो है थर्ड पोजीशन पर है, ठीक। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है ऑपरेशन मुस्कान। ऑपरेशन मुस्कान देखिए ये कुछ बेसिक चीज है जिससे कभी भी ना रैंडम क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं। ऑपरेशन मुस्कान का संबंध किस क्षेत्र से है, देखिए ऑपरेशन मुस्कान जो है ये परिवार से दोबारा मिलाने वाले, ये देखिए जो बच्चे गुमशुदा हो चुके हैं, जो बच्चे गुमशुदा हो चुके हैं यानी कि अपने परिवार से बिछड़ चुके थे, उन्हें उनके परिवार से दोबारा मिलाने के लिए ऑपरेशन मुस्कान पुलिस विभाग के द्वारा चलाया गया, ठीक है। गुमशुदा बच्चों की तलाश के लिए पुलिस के द्वारा चलाया जा रहा एक ऑपरेशन है ऑपरेशन मुस्कान। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि ऑपरेशन मुस्कान किस विभाग के द्वारा इसका संचालन किया जाता है, पुलिस विभाग के द्वारा। ऑपरेशन मुस्कान का संबंध किससे है, गुमशुदा बच्चों की तलाश से इस ऑपरेशन मुस्कान का संबंध है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हेलो जिंदगी। हेलो जिंदगी ये जो है ये नशे के विरुद्ध जागरूकता अभियान है, ठीक है। 15 जुलाई से लेकर के 15 अगस्त तक रायपुर के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में इस हेलो जिंदगी कार्यक्रम को चलाया जाएगा। जागरूकता अभियान के साथ साथ ड्रग पैडलर्स और नशे के अवैध विक्रय पर कार्यवाही भी तेज की जाएगी। तो हेलो जिंदगी का संबंध किससे है, नशे के विरुद्ध जागरूकता अभियान से इस हेलो जिंदगी का संबंध है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है पुस्तकें, ठीक है। दो पुस्तक जिस पे आपको विशेष ध्यान देना है, एक है सुराजी गांव।
सुराजी गांव इस पुस्तक के लेखक है दुर्गा प्रसाद पारकर। दुर्गा प्रसाद पारकर की पुस्तक सुराजी गांव, जिसका विमोचन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा किया गया, यह छत्तीसगढ़ी नाटक है। छत्तीसगढ़ की महत्वाकांक्षी योजना नरवा गरवा घुरवा और बाड़ी, इस महत्वाकांक्षी योजना के ऊपर आधारित पुस्तक सुराजी गांव पुस्तक के लेखक है दुर्गा प्रसाद पारकर। एक और पुस्तक है बैटल Not Yet Over, ये आत्मकथा है हमारे प्रदेश के वर्तमान में जो राज्यपाल है विश्वभूषण हरिचंदन। विश्वभूषण हरिचंदन जी की आत्मकथा है Battle Not Yet Over। एक्चुअली में जो आत्मकथा है ये आत्मकथा उड़िया भाषा में लिखा गया था, ठीक है, उड़िया भाषा में इनकी आत्मकथा को लिखा गया। इंग्लिश में इसका अनुवाद किया गया है प्रोफेसर भगवान जय सिंह के द्वारा, ठीक है। तो इन दो पुस्तकों के नाम को याद रखिएगा। जलप्रपात, वाटरफॉल, अभी बरसात का महीना चल रहा है, मानसून का महीना है, तो बहुत से जगह पर आपके जलप्रपात आपके बने हैं का मतलब देखिए, कुछ जलप्रपात जो कि नदियों के ऊपर है जो कि बारामासी रहते हैं, जैसे कि आपका चित्रकूट जलप्रपात, लेकिन बहुत से जलप्रपात ऐसे हैं जो कि बरसात के मौसम में बनते हैं, मौसमी आधारित जलप्रपात है, ठीक है। तो कुछ जलप्रपात जो कि न्यूज़ में रहे उनको भी देख लेना। एक है फूलपाड़ जलप्रपात, फूलपाड़ जलप्रपात जो कि दंतेवाड़ा जिले में बैलाडीला की पहाड़ी पर एक कुरुम नाला करके है, कुरुम नाला एक नाले के ऊपर है जो कि अरुमपुर घाटी से गिरता है। दूसरा किंग पॉइंट जलप्रपात, किंग पॉइंट जलप्रपात जो कि अंबिकापुर जिले में है। मकड़ी दरहा जलप्रपात जो कि सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में है। धसकुड़ जलप्रपात जो कि महासमुंद जिले में है। कटुल कसा जलप्रपात जो कि केशकाल कोंडागांव जिले में है। तुरेखा गुमरा जलप्रपात जो कि केशकाल कोंडागांव जिले में है। और चिंगरा पगार जलप्रपात जो कि आपके गरियाबंद जिले में है। तो इन कुछ जलप्रपातों के नाम और किस जिले में है इसे भी थोड़ा याद कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपके कुछ विविध मिसलेनियस, ये आपका लास्ट है। सबसे पहले वजन त्यौहार 2023 का आयोजन जो है ये आंगनबाड़ी के माध्यम से किया जाता है। आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों में पोषण के स्तर की जांच के लिए वजन त्यौहार का आयोजन किया जाता है। वजन त्यौहार 2023 का आयोजन 1 अगस्त से लेकर के 13 अगस्त 2023 के मध्य आंगनबाड़ी केंद्रों में किया जाएगा। दूसरा है मधेश्वर पहाड़, ये पीएससी में पूछा गया प्रश्न था। मधेश्वर पहाड़ किस जिले में है? जशपुर जिले में है। औरापानी जलाशय किस जिले में है? बिलासपुर जिले में है। सिंगल वन लाइनर पढ़ते चलिए। देश का सबसे बड़ा थोक बाजार किस जिले, कहाँ पे प्रस्तावित है? आपके नवा रायपुर में देश का सबसे बड़ा थोक बाजार प्रस्तावित है। खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में किसानों से 125 लाख मेट्रिक टन धान खरीदी अनुमानित लक्ष्य रखा गया है। पिछले साल यानी कि विपणन वर्ष 2022-23 में प्रदेश सरकार के द्वारा 107.53 लाख मैट्रिक टन धान की खरीदी की गई थी। प्रदेश सरकार ने 110 लाख मैट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा था लेकिन लक्ष्य तक पहुंच नहीं सके। इस बार धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया है 2023-24 के लिए 125 लाख मैट्रिक टन। इस बार प्रदेश सरकार 20 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से धान खरीदी करेगी। पिछले साल यह 15 क्विंटल प्रति एकड़ था, यानी कि एक किसान से एक एकड़ से अधिकतम 15 क्विंटल धान की खरीदी की गई थी। इस बार इसे बढ़ाकर के 20 क्विंटल कर दिया गया है और 20 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी करने वाला हमारा छत्तीसगढ़ देश का एकमात्र राज्य है, ठीक है। प्रदेश का पहला स्वामी आत्मानंद शासकीय इंग्लिश मीडियम आदर्श महाविद्यालय ये कहाँ खोला गया है? कांकेर में। स्वामी आत्मानंद शासकीय इंग्लिश मीडियम स्कूल के तर्ज पर अब छत्तीसगढ़ स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम महाविद्यालय यानी कि कॉलेज, ठीक है, इंग्लिश मीडियम स्कूल के तर्ज पर अब इंग्लिश मीडियम कॉलेज खोला गया है आपके कांकेर जिले में। ऐसे 10 कॉलेज और खोले जाएंगे पूरे प्रदेश भर में, ठीक है। मणिकपुर पोखरी इको पर्यटन स्थल ये कहाँ पर विकसित किया जा रहा है? कोरबा जिले में विकसित किया जा रहा है। नवीन औद्योगिक नीति 2019-24 के अंतर्गत हमारे प्रदेश में अब तक यानी कि जुलाई 2023 तक की स्थिति में 838 स्टार्टअप्स इकाइयाँ पंजीकृत है।
हमर अंगना योजना का संबंध किस क्षेत्र से पूछा जाए तो हमर अंगना योजना का संबंध घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं के घर पहुंच करके उन्हें न्यायिक सहायता दिलाने से संबंधित है हमर अंगना योजना। नेक्स्ट है खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में 20 क्विंटल प्रति एकड़ के मान से धान खरीदी करेगी प्रदेश सरकार। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा मानव निर्मित जल हरि युक्त शिवालय जो कि जगदलपुर में है, यह जगत देव भूषण धारावर्ष के द्वारा 1060 ईस्वी में इस शिवलिंग का निर्माण किया गया। सावन का महीना है तो ये एक चर्चा में आया था, न्यूज में याद रख लेना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। छत्तीसगढ़ करंट अफेयर जुलाई 2023 यहाँ पर होता है समाप्त। किसी प्रकार का डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।